रामपुर शाहबाद नई बस्ती में सरकारी जमीन नाले नालियों से अवैध कब्जे हटाने को एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कहा कि बस्ती की पानी की निकासी बंद हो गई है। शाहबाद में सुहेल देव पार्टी के तहसील कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी दुर्गा शंकर गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर नई बस्ती बिजली घर के पीछे नालों को ही नहीं बल्कि तलैया व खाली पड़ी जमीनों पर अवैध कब्जों के कारण पानी निकासी बंद हो गई है। बारिश का पानी घरों में भर जाता है, तब यहां रह रहे लोगों के सामने भारी संकट खड़ा हो जाता है। अवैध कब्जे हटाने की मांग की गई। ये मामला ये है कि जो नई बाजार बर्फ खाने के बराबर से जाड़ों वाली पुलिया को होते हुए और स्टेट बैंक के पीछे तक जो नाला गया है, उस नाले पे आज तक सालों से कोई सफाई नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी बारिश में पानी वहाँ भर जाता है, निकलने वालों को भी परेशानी होती है और घरों में पानी भरने की वजह से बीमारियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं। उधर जाके आप देखो, जाके जाँच कराओ, सालों से कोई सफाई नहीं है नाले की और अवैध निर्माण लोगों ने बना रखे हैं, नाले पाड़ रखे हैं। नाले पाड़ने पहले आपने कभी कहीं शिकायत करी? इससे पहले कोई शिकायत नहीं करी। इससे पहले हमारे पास कोई पद नहीं था, हमें जिला अध्यक्ष का पद और शबाब मियां को किस पार्टी से? भारतीय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का